दोस्तों, ई शिक्षा कोर्स को खोलते समय अगर एरर शो करता है तो निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में आएंगे। प्ले स्टोर ओके करने के बाद खुल कर आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर में सर्च करेंगे ई शिक्षा कोर्स। ई शिक्षा कोर्स सर्च करेंगे और सर्च करते ही ऐप आ जाएगा। तब ऐप को ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा ऐप अपडेट है या अपडेट मांग रहा है। अगर अपडेट मांग रहा होगा तो हम सबसे पहले ई शिक्षा कोर्स को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अपडेट होने के बाद फिर हम लोग बैक हो जाएंगे। मैप, MAP, मैप, मैप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद मैप आएगा, गूगल मैप को ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या यह मैप अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट नहीं होगा तो हम लोग इस मैप को अपडेट कर लेंगे। अगर अपडेट होगा तो हम लोग इस ऐप को खोलेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसा फेस आएगा। आप साइड में नीचे की ओर देख सकते हैं वाइट गोला, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने से ये होगा कि अगर हमारा लोकेशन 500 मीटर से दूर शो कर रहा होगा तो हमारा लोकेशन हमारे 500 मीटर के रेंज में आ जाएगा। आप लोग से 4 से 5 बार तक क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप हरा गोला देख सकते हैं, ये हमारे स्कूल के पास है या नहीं। अगर हमारे स्कूल के पास होगा तो ठीक है, अगर पास नहीं होगा तो फिर से हम लोग ओके करेंगे। ओके करेंगे तो ये लोकेशन हमारे 500 मीटर के रेंज के अंदर आ जाएगा। आ जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बैक होंगे। बैक होने के बाद इस शिक्षा कोर्स पर आ जाएंगे। इस शिक्षा कोर्स को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर खुल जाएगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं होम, होम को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आएगा डाउनलोड मास्टर डाटा, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद स्कूल मास्टर डाटा, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। नंबर 2 पे स्टूडेंट मास्टर डाटा, इनको भी हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम लोग फिर से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद फिर से हम लोग आएंगे होम पे। होम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 नंबर पे गेट लोकेशन, इसको हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद स्कूल लोकेशन सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। फिर हम लोग ओके करेंगे होम को। होम को क्लिक करने के बाद 3 नंबर पे रिफ्रेश लोकेशन, रिफ्रेश लोकेशन को ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद लोकेशन जो है रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद आप मार्क अटेंडेंस को ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेल्फ अटेंडेंस और मार्क ऑन ड्यूटी, सेल्फ अटेंडेंस आप स्कूल में होंगे तो बनाएंगे, मार्क ऑन ड्यूटी या तो आप डिपुटेशन पर रहेंगे तो आप मार्क ऑन ड्यूटी पर क्लिक करेंगे। आप स्कूल में हैं तो सेल्फ अटेंडेंस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा लोकेशन खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शो कर रहा मीटर, यह 500 मीटर के अंदर होगा, ठीक है।